ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती ततो जयमुदीरयेत्। ततो जया मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके भक्तिर्भवति। आज का हमारा श्लोक है ये प्रथम स्कंध का तृतीय अध्याय का श्लोक नंबर 17। धानंतरं दादशामं धानंतरं दादशामं त्रयोदशममेव च त्रयोदशमेव च अपाय यत् सुरानन्यान् मोहिन्ना मोहयन् स्त्रिया धानन्तरं दादशमम् त्रयोदशममेव च अपाय यत् सुरानानां मोहिन्ना मोहनस्त्रिया धनन्तरं द्वादशमं धनन्तरं द्वादशम् त्रयोदशमम् एव च अपायायत् सूरान् अनन्य मोहिनी मोहयं स्त्रिया त्रयोदशमेव च अपायसुरन्या धन्वन्तरं द्वादशम् त्रयोदशममेव च अपायाय सुरान् अन्या मोहिन्या मोहन् श्रिया धन्वन्तरं द्वादशम
धनवंतरं दादशमम् श्रेयो दशमस्मेवाच श्रेयो दशमम् एवच अपायाय सूरानय अपायात् सूरानन् मोहिन्या मोहयेन श्रिया हरे कृष्ण धन्वंतरं द्वादशम् धन्वंतरं द्वादशमम् अपायात् सुरा अन्या अपायाय सुरानन्याम् मोहिन्या मोहिन्यन् स्त्रिया हरे कृष्ण अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। बारहवें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और तेरहवें अवतार में उन्होंने श्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। हरे कृष्णा। इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है, आज के श्लोक में दो अवतार का वर्णन एक साथ किया गया है। एक्चुअली तीन अवतार का वर्णन एक साथ करना चाहिए था, लेकिन कल हमारा ऑलरेडी हो चुका है, वो है कच्छप। ये जो समुद्र मंथन लीला हुआ, इसमें बहुत सारे अवतारों का समावेश है। इसमें पहला है कच्छप। कच्छप वहां पे स्थित हुए समुद्र जल के नीचे, तभी मंदराचल पर्वत वहां पे अपने आप को बैठा पाया, अन्यथा मंदराचल समुद्र के नीचे डूब जाते। इसलिए भगवान का पहला अवतार हुआ कच्छप। पहला मतलब इस समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन में भगवान का पहला अवतार हुआ कच्छप। उसके बाद क्या हुआ, जब मंदराचल को वासुकी नाग द्वारा रस्सी बनाकर उसको इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब जैसे तेली घानी का तेल जैसे होता है ना, खेल बनाते हैं, तो वैसे ही समुद्र मंथन समुद्र में किया गया। वहां से पहला जो है सांप, वो रस्सी क्या है, रस्सी है वासुकी। तो इससे पहले क्या घटना है कि देवता बोले कि सांप का जो माथा, सांप का जो मस्तक साइड जो है वो हम लोग पकड़ेंगे, और असुर बोले कि अरे नहीं, हम लोग क्या कुछ है क्या कि हम लोग को आप नीचा रखे, इसीलिए मैं पूंछ की तरफ जाऊंगा, सांप के पूंछ में नहीं, हम लोग सांप के आगे तरफ रहेंगे। तो देवतागण भगवान विष्णु से ये अंदर ही अंदर प्रार्थना किए, तो भगवान विष्णु बोले ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि पहले जो निकलने वाला है वो तो पूरे संसार को ब्लैक कर देंगे, पूरा काला धुआं। तो दानव जो होते हैं ना, असुर जो होते हैं ना, असुर का एक सबसे बड़ा क्वालिटी ये होता है कि वो लोग अपना बुद्धि यूज करते हैं, जिसके कारण वो लोग हार जाते हैं। और भक्तगण अपना बुद्धि यूज नहीं करते, बल्कि वो कृष्ण की बुद्धि को यूज करते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, लोग दुर्योधन के जीवन में भी देखे हैं। दुर्योधन जब भगवान कृष्ण के पास गए थे द्वारका में, तो मस्तक के साइड में बैठा हुआ था दुर्योधन, असुर है। और अर्जुन कहां पर बैठे थे, भगवान के चरणों में। जैसे भगवान निद्रा से जागे तो पहले दर्शन किसका हुआ, अर्जुन का, क्योंकि पैर के तरफ, चरण के तरफ बैठा हुआ था अर्जुन। तो जैसे भगवान बोले कि अरे अर्जुन आप कब आए, तो दुर्योधन बोले कि नहीं कृष्ण, मैं तो पहले आया। बोले कि जो भी हो आप पहले आए, लेकिन मैं तो देखा पहले अर्जुन को। तो बोले कि बताइए क्या चाहिए, बोले कि ऐसे ऐसे अक्षोहिणी सेना, नारायण चाहिए या नारायण का संपत्ति चाहिए।
तो दुर्योधन बोले कि मुझे नारायण का संपत्ति चाहिए, क्योंकि नारायण तो खुद लड़ाई करेंगे नहीं, निहत्ता, तो क्या फायदा है। तो असुर जो होता ना अपना बुद्धि यूज करता है, अर्जुन कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण जैसा चाहते है, कृष्ण आप हमारे साथ लड़े, मतलब हमारे हक पर लड़े या युद्ध करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप हमारे साथ रहे। तो यह भक्त का बुद्धि। समुद्र मंथन लीला में हिरण्यकशिपु जो उनका भी सेम फिलोसॉफी, ना दिन में ना रात में, ना पृथ्वी के बाहर में, ना आकाश में ना पाताल में, ना दिन में ना रात में। तो भगवान का बुद्धि के बुद्धि से बढ़कर कौन है? कोई नहीं। तो बचा नहीं, मर गया। चौथा रावण का, रावण भी ठीक है, देवी देव नहीं पाएंगे, तो ब्रह्मा बोले कि हाँ कोई नर बानर आपको मारेंगे, लेकिन अरे वो तो मेरा खाद्य है, फूड लंच, वो तो मेरा खाद्य है, नर बानर को मैं पकड़ पकड़ के खाता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप मुझे ये वरदान भी दे देंगे ना तो चलेगा, मैं अमर बन जाऊंगा। क्या वरदान? कि कोई नर और मतलब देवी देवता मुझे मार ना पाए, क्योंकि वही तो सर्वशक्तिशाली है संसार में। लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान एक मनुष्य रूप में आएंगे, भगवान रामचंद्र के रूप में। थक गया बेचारा रावण, भगवान के हाथों धराशायी। इस प्रकार असुरों का जो बुद्धि होता है ना, वो सर्वदा नेगेटिव होता है, वो कभी भी, क्योंकि भगवान ही एकमात्र अजीत है इस संसार का। अजीत का अर्थ होता है किसी को, किसी के द्वारा जो जीता ना जाए, अजीत। बाकी सब जितने सारे महान असुर हो, उन लोगों को जीते जाते हैं, लेकिन भगवान को कोई जीत नहीं सकता, वो है अजीत। तो अगर कोई भक्त अजीत की शरणागत तो हो जाए, भगवान कृष्ण के शरणागत तो हो जाए, तो जीत सकता है। तो यही फिलोसॉफी यहाँ पे समुद्र मंथन में हो रहा है। समुद्र मंथन में क्या हुआ कि बोले कि ठीक है, ना ना ना, हम लोग पूंछ की तरफ क्यों पकड़ेंगे, ये तो निकृष्ट है। उत्कृष्ट होता है मुखमंडल, सांप का जो मुख है वो है उत्कृष्ट। राक्षस बोल रहे, असुर लोग बोले कि हम लोग मुंह की तरफ पकड़ेंगे, तो भगवान विष्णु इंडिकेट किया देवताओं को, ओके कोई बात नहीं, जाने दो, आप लोग पूंछ की तरफ पकड़ो, क्योंकि जो विष निकलेगा, जो निकलेगा तो विष, जो जैसे जब सांप सांस लेंगे क्या होगा हाल, तो विष गिरे तो असुरों के शरीर में, सांस में वो लगभग आधा बल उन लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो भगवान की बात माने देवतागण, और देवता पूंछ की तरफ पकड़े। तो पहला जो समुद्र मंथन जो लीला हुआ, तो समुद्र मंथन लीला में पहला चीज क्या उत्पन्न हुआ, वो है हलाहल विष उत्पन्न हुआ, और उसको कौन पान किए, और पान का जिसका नाम हुआ उसका नाम क्या है, विवाह माता जी बताएंगे। हलाहल विष उत्पन्न हुए और उसके बाद उनका नाम क्या हुआ? नीलकंठ। नीलकंठ, वाह, नीलकंठ, वेरी नाइस माता जी, देखिए कितना सचेत है, शास्त्रों के ज्ञान सब कुछ। तो नीलकंठ, भगवान नीलकंठ, शिव को नीलकंठ कहा गया। तो उसके बाद निकला ऐरावत हाथी, सूरभि गाय, चंद्रमा, लक्ष्मी, बहुत कुछ प्रकट हुए। तो अंत में प्रकट हुआ क्या, धनंतरी। धनंतरी अमृत को लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर प्रकट होने के बाद अभी देवतागण सोच रहे हैं, अरे धनंतरी से तो जो असुर है वो धनंतरी से अमृत को लूट लिया। अभी देवताओं के पास तो उतना बल नहीं है कि राक्षसों के साथ मुकाबला करके उन लोगों को जीत सके और अमृत को छीन ले, कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि देवताओं का बल एकमात्र विष्णु भगवान। तो भगवान क्या किया, धन्वंतरी के रूप में भी भगवान है, कच्छप के रूप में भी भगवान है, और अभी आएंगे मोहिनी के रूप में। मोहिनी के रूप में भगवान आए, और आने के बाद जो कुछ किए, पूरा नाच नचे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कमेंट करते हैं कि असुर जो होते हैं ना, स्त्री के प्रति वो लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं,
रावण का भी उदाहरण आता है। असुरों का सबसे बड़ा एक बेड क्वालिटी या गुड क्वालिटी कहा जाए, वो लोग स्त्री के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। तो जब मोहिनी प्रकट हुए तो उसके बाद बोले कि चलिए देव दीदी, इस देवी के पास जाते हैं। देवी के पास गए सभी असुरगण और जाके बोले, देवी आप कौन हो, आप कितने सुंदर हैं। हाँ, तैसे से बोले कि तो जो भी है, हम जो भी हूं, मैं तो एक ऐसे इधर उधर नाचती रहती हूँ, अभी आपके पास आए तो मैं चाहती हूँ कि अपने हाथों से आप सबका अमृत पान कराऊं, इस उम्मीद से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बोले कि हाँ ले लीजिए ना, मैं तो चाहता हूँ। तो एक दूसरा असुर बोल रहा कि अरे लड़की के फंदे में मत पड़ना, अमृत हाथ से निकल जाएगा। एक दूसरा असुर बोल रहा है, अरे अमृत क्या है, वास्तविक अमृत तो ये है, साक्षात विश्व सुंदरी नारी, ये अमृत का ढेला है, लस्सी। हाँ वास्तविक अमृत तो ये, देखिए सो ब्यूटीफुल गर्ल्स, अगर इनके साथ संग हो जाए, इनके साथ मित्रता, फ्रेंडशिप, प्रेमिका अगर ये हमारे बन जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो विश्वास पूर्वक जैसे ही मोहिनी बोले कि आपका अमृत मुझे प्रदान करे, मैं सभी को पिला दूं। तो जैसे ही अमृत का कुंड दे दिया उनको, मोहिनी को, तो मोहिनी बोले कि अरे आप लोग को डर नहीं लगा, आप लोग तुरंत मुझे विश्वास कैसे कर लिए, मैं तो छल भी कर सकता हूँ, है ना, चीटिंग। बोले कि नहीं देवी, मुझे पता है, असुर लोग बोल रहे आप छल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जैसा कोमल हृदय, आपका कोमल चेहरा, सो ब्यूटीफुल, आप छल कर ही नहीं सकते। तो बोले कि ठीक है, तो दे दिया। तो अभी जो मोहिनी है, मोहिनी सोचे कि हम पहले असुर देवताओं को पिलाते हैं। तो असुर लोग बोले क्यों, देवताओं को क्यों पिलाएंगे। बोले कि अरे ऊपर में जो है ना, ऊपर में पतला पतला चीज है और अंदर पूरा गाढ़ा है, मीन्स पूरा एकदम प्योर प्योर अमृत है अंदर। ऊपर में जैसे पानी पानी होता है ना, पानी पानी है और नीचे एकदम पूरा प्योर अमृत है। बोले हाँ हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। तो एक एक करके पिला रहे देवताओं को। लेकिन भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान का उद्देश्य है देवताओं को अमृत पिलाना। कि असुर को अमृत पिलाने से क्या होता है, प्रभुपाद बोलते हैं सांप को दूध पिलाने से बीसी बढ़ता है। तो असुर को अगर अमृत पिलाएंगे, ये अगर अमर रह जाए तब तो दुनिया पूरा तहस नहस हो जाएगा, इसीलिए भगवान जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में राहु और केतु, उनको राहु को एक पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, को ये चीज कुछ आभास हुआ। तो चंद्रदेव और सूर्यदेव, तो सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में जाके राहु देवताओं का वेश में आकर वहां पर प्रकट हुआ ऐसे अमृत पीने के लिए। तो सूर्यदेव तो दिन प्रकाश उजाला और चंद्रमा भी प्रकाश, चंद्रमा का अभाव, ऐसे जगह में खड़े हुए, ऐसे जगह में वो प्रकट हुए राहु कि सूर्य और चंद्र तुरंत पहुंचा नहीं। अरे ये तो देवता नहीं है, ये असुर है। तो जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला, मोहिनी तुरंत अपने रियल फीचर वास्तविक स्वरूप में आए, तो सुदर्शन निकाले और उनको उनका गला काट दिया। तो हरे कृष्णा, इस प्रकार हम लोग भगवान के धन्वंतरी अवतार और भगवान की मोहिनी अवतार के बारे में जाने। क्या नंद किशोरी माता जी, कैसा लगा? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, भगवान में इतना शक्ति है।
चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज का जो श्लोक अर्थ है। गीता माता जी गायब हो गए थे कहीं तो, जब वीडियो चलता है माता जी वीडियो ऑफ कर देते, क्यों अच्छा नहीं लगता बताइए तो। काम कुछ काम कर लेती है सुनते सुनते देखते देखते, ना ना बचा रहा था। वो तो सुनना देखने का चीज है, वो तो सुनने का नहीं, सुनने वाला तो मेरा है, मैं जब बोलता हूँ सुनने का, वो सीन है तो देखने का नहीं, देखते देखते कुछ कुछ काम कर रहे फिर आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं ऑफ कर दी। अच्छा तो आज मुझे मायापुर स्टूडियो जाना है, वहां पे मेरा क्लास है, क्लास देना है मायापुर टीवी जो चैनल है, तो बुलाए है वहाँ के जो अथॉरिटी, तो मैं जाऊंगा 5:30 बजे, तो आधा घंटा के अंदर ही हमारे जो बाकी श्लोक अर्थ है उसको कर लेते हैं। हमारा शब्द क्या है आज के श्लोक का, धानंतरम दाद समम तरियोदोषम एव वच अपायत्त सुरानन्नम मोहिन्ना मोहन स्त्री। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है, धनवंतरी, धनंतरी। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 17वें अध्याय का 4वां श्लोक है जहाँ पे धनंतरी शब्द आया है, पढ़िए। हरे कृष्ण। काश्यस्य कशिस्त पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम पिता धनवंतरी दीर्घतमसा आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञभुगा वासुदेवांश स्मृत मात्रार्ति नाशना। हरे कृष्ण। अनुवाद। कश्यप के पुत्र काशी थे और उनके कश्यप पुत्र नहीं काश्य काश्य सॉरी हरे कृष्ण काश्य के पुत्र काशी थे और उनके पुत्र राष्ट्र दुर्गात्मा के पिता थे। दुर्गात्मा का धनवंतरी नाम का एक पुत्र था जो चिकित्सा विज्ञान का उद्घाटक था और भगवान वासुदेव का अवतार था जो बलिदानों के परिणामों का भोगता था। जो धन्वंतरी नाम का स्मरण करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हरी बोल हरी बोल। धन्वंतरी विश्वनाथ प्रभु धन्वंतरी मतलब भगवान अवतार, भगवान श्री कृष्ण के अवतार है धन्वंतरी। तो अगर कोई धनंतरी धनंतरी उच्चारण करेंगे तो सभी रोगों से पीएम सिंह पर वो क्या होता है, सभी रोगों से रोग मुक्त हो जाएंगे। धनंतरी मशरूद है। तो हमारे धनंतरी का एक प्रतिनिधि यहाँ पर है, आप लोग को पता है कौन है हमारे ग्रुप में, कौन बता पाएंगे उसको, समोसा खिलाऊंगा मैं। माता जी। विभा माता जी ना, और बताइए। गीता माता जी। और बताइए आइडिया की नंदो किशोरी माता जी क्या, और बताइए और किसको बताएं, बताइए। हमारे यहाँ पर हमारे ग्रुप में धनंतरी का प्रतिनिधि है, कौन है वो उपस्थित, राकेश राय प्रभु। नहीं नहीं प्रभु नहीं प्रभु नहीं बता पाएंगे। विश्वनाथ प्रभु। विश्वनाथ मैं नहीं हूँ माता जी, राकेश ना तो के नरसिंह देव दिख रहा है, नरसिंह होता है काल है। प्रभु जी स्वयं। समोसा किसको खाने का इच्छा है, मायापुर का समोसा 10 रुपये का बड़ा बड़ा साइज मिलता है, कौन समोसा इच्छुक है महाप्रसाद का, जो बताएंगे उनको हम खिलाएंगे। हमारे यहाँ पे एक धनंतरी का प्रतिनिधि है, विभा माता जी बताइए तो समोसा खिलाएंगे। दलिया चक्रवर्ती माता जी हमारे ग्रुप में, हमारे 6-9 भक्त है अभी जुड़े,
धनंतरी का धनंतरी मीन्स आयुर्वेद सरल राकेश प्रभु रांची जो है यस राकेश प्रभु रांची जो है वही काम करते हैं आप समोसा खाने के अधिकारी हैं गरम गरम आपको मायापुर जब आएंगे तो समोसा खिलाएंगे हरी बोल को एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कौन क्या करते हैं ठीक है कोई भक्त नहीं बोल पाया एकमात्र राकेश ही दूसरे राकेश को बोल पाता है भगवान ही भगवान को जान पाता है उसी प्रकार राकेश ही राकेश को जान पाता है कि वो क्या करता है ना चलिए वो क्या करते हैं प्रभु पूरे देश में आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार करते हैं ये झारखंड में तो डील करते हैं बिहार में पूरा बांटे फिर झारखंड में बांट रहे हैं पूरे देश में इनका जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप हर स्टेट में है ये है हमारे राकेश प्रभु रांची राकेश कुमार प्रभु तो इस प्रकार धनंतरी क्या चीज है धनंतरी का अर्थ होता है दीर्घ शतम आयुर्वेद प्रवर्तक मतलब भगवान का ही अवतार है धनंतरी समस्त जीवों के परिणामों के भोक्ता है और अगर कोई धनंतरी का नाम स्मरण करता तो वो रोगों से मुक्त हो जाता है अगर कोई बोले कि प्रभु जी तब तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा आपका पिताजी तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है तो धनंतरी धनंतरी बोलने से तो उस तरह का श्रद्धा होना चाहिए प्रश्न है कि भगवान के प्रति धनंतरी के प्रति उस तरह का विश्वास होना चाहिए 100+ तब आपको कहीं पर नहीं जाने का जरूरत है आप यहीं से मुक्त हो जाएंगे और धनंतरी किसका अवतार है वासुदेव और वासुदेव कौन है कृष्णा और हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हाँ तो इस प्रकार भगवान का अगर सच्चे मन से हम लोग नाम करेंगे तो हम लोग रोग मुक्त होंगे ठीक है विश्वास लेना है तर्क नहीं करना आध्यात्मिक चीजों में कभी तर्क नहीं किया जा सकता प्रभु जी ठीक है तब सभी अगर हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो मेरा तो डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा अगर वो सोचे नहीं जैसे हमारे राकेश प्रभु बोकारो के एक बार बोले थे कि सब कुत्ता अगर गंगा में जाए तो पत्ता कौन चाटेंगे यद्यपि कहावत है लेकिन प्रभु जी हमारे क्लास में बोले थे जस्ट उसी का रिपीट किए हाँ हाँ तो उसी प्रकार हर कोई तो भगवान का नाम नहीं लेंगे वो डॉक्टर को भगवान मानेंगे भगवान को भगवान नहीं मानते डॉक्टर को भगवान मानते इसीलिए रोग भी दूर होता है थोड़ा देर लगता है तो पहला शब्द था हमारा धनंतरी नेक्स्ट शब्द क्या है माता जी द्वादशी द्वादशी पढ़िए द्वादशी हरे कृष्णा श्रीमद भागवत तुमके कल छठो छे क्या बोलेंगे प्रभु जी मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में तो राकेश नहीं अभी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा दिख रहा है स्पष्ट दिख रहा है ठीक है पढ़िए पढ़ेंगे शो हरे कृष्णा शो भूते उपस्पृशा कृष्ण अभ्यर्च पूर्ववत पश्चिदेन जुहु याचरुण सह सर्पिशा पाक यज्ञ विधानेन द्वादशी वाहुति पति हरे कृष्णा अनुवाद अगले दिन ही सुबह अपने आप को धोना चाहिए और पहले की तरह भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद व्यक्ति को त्योहारों के लिए खाना बनाना चाहिए जैसे कि गोह्य सूत्रों में कहा गया है मीठे चावल को घी में पकाना चाहिए और इस तैयारी के साथ पति को 12 बार अग्नि को अर्पण करना चाहिए तो ये जो प्रोसेस है ये कौन बता रहे कश्यप ऋषि अपनी पत्नी को पुंसवान हमारे शास्त्रों में व्रत एक है हाँ वो व्रत के बारे में बता रहे कितना बार दादा से 12 बार अग्नि को अर्पण करना चाहिए त्रयोदशा राकेश प्रभु जी पढ़िए तो पढ़ पाएंगे हरे कृष्णा प्रभु जी श्रीमद भागवत तृतीय स्कंध 21वां अध्याय 18वां श्लोक
न तेजरात ब्रह्मीरायुरेशाम त्रयोदशाम रीत्रिशतम पश्चि पर्व मंधन सदी तत्णाधिकारो जगदाचिन में धावत। अनुवाद, आपका चक्र जिसमें तीन नाभि है अविनाशी ब्रह्मा की धुरी के चारों ओर घूमता है, जिसमें 13 तिलियां 360 जोड़ 6 किनारे और अनगिनत पत्ते खुदे हुए हैं, यद्यपि इनकी क्रांति पूरी सृष्टि के जीवन काल को छोटा कर देती है, लेकिन प्रचंड वेग का यह चक्र भगवान के भक्तों के जीवन काल को नहीं छू सकता है। तात्पर्य, जब सूर्य उगता है और अस्त होता है तो वह सभी जीवों का जीवन ले लेता है, लेकिन यह उन लोगों के जीवन को नहीं ले सकता जो भक्ति में लगे हुए। यस, कल हम लोग क्लास में ये चीज का वर्णन किए थे ना कि हम कल इसी तरह का श्लोक आएगा बोल के बोले थे, सभी भक्तों को याद है, किस किस को याद? क्लास के दौरान ही हम बोले थे कि भक्त के जीवन जो भक्ति में लगे रहते हैं, विवा माता जी याद है कि जो भक्ति में लगे हुए जो कृष्ण कथा जो सुनते वही उनका घंटा जो सुनता है वही उसका जीवन का उपयोग होता है, बाकी सब तो व्यर्थ में सुनता है। बोले थे, याद है? याद है। हाँ, तो यही वो श्लोक है तृतीय स्कंध के 21 अध्याय के 18 नंबर श्लोक कि सूर्य उगता है और अस्त होता है, मतलब उठता है और दिन होता है रात होता है, दिन होता है रात होता है, तो वो सभी जीवों का जीवन ले लेता है, एक दिन दो दिन तीन दिन करके उनके 100 वर्ष पूरा कर लेता है, लेकिन ये उन जीवन को नहीं ले सकता जो भक्ति में लगे। सब कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी इसको समझेंगे कैसे, इसका अर्थ क्या है? भक्त भी तो मरते हैं, अभक्त भी मरते हैं, तो भक्ति में जो लगे हुए हैं उनका जो जीवन है ना वो नित्य जीवन शुरू होता है उनका। जब वो भक्तिमय सेवा चालू करता है, ये जो श्रवण कीर्तन भागवत पाठ भागवत श्रवण ये जो चालू किया उनका नित्य जीवन शुरू हो गया। जब तक कोई भक्ति में नहीं आता ना तब तक उसका मृत्यु होता रहता है। मान लीजिए किसी का आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष से मान लीजिए कि मेरा आयु है 30 वर्ष, इसका अर्थ मैं 30 वर्ष मर चुका हूं। एग्जाम्पल, तो जो व्यक्ति भक्ति में लगे हुए हैं उनका आयु का सूर्यदेव हरण नहीं कर पाते, क्योंकि उसका नित्य जीवन शुरू होता है। नित्य जीवन अर्थात जब शरीर को त्याग करने भर की मात्रा मतलब देर है, जैसे ही त्याग करते हैं तो सीधा भगवत धाम भगवान के धाम में चले जाएंगे और वहां पे जाके सेवा चालू हो जाएगा। तो वो मरे कहां? मरता तो वही है जो पुनर्जन्म के चक्र में अगले जीवन में कुत्ता बनता है या भेड़िया बनता है, सांप बनता है या कनखुजरा बनता है, वो है मरते। लेकिन वो व्यक्ति जीवित रहते हैं जो भक्ति में लगे हो, क्योंकि जब शरीर को छोड़ने की बात है वो भगवत धाम में भगवान की सेवा में नित्य जीवन उनका शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है सूर्य उठता है और अस्त होता है, वो सभी जीवों का जीवन को ले लेता है, लेकिन ये उन लोगों के जीवन को नहीं ले सकता जो भक्ति में लगे हुए। त्रयोदशा 13 दिन, इसके बाद सूर्यगणा पायायत, ये कौन पढ़ेंगे? आप ही पढ़िए, समय नहीं है मेरा, मुझे जाना होगा। प्रेम सिंह प्रभु जी पढ़ें, ये बहुत बड़ा श्लोक है, बहुत छोटा श्लोक दे देते आपको। ये गीता माता जी पढ़िए माता जल्दी। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवत के अष्टस्कंद के 12वां अध्याय वन एक और दो श्लोक एक साथ। श्री बादरायणी रुवाच, श्री बादरायणी रुवाच, वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहा इत्या सुरगणान् हरि सोमं पाययत्। वृषं वारुह्य गिरीशा सर्वभूतगणैर्विता सहदेव्या ययो दृष्टुं यत्रास्ते मधुसूदना। हरे कृष्ण। अनुवाद, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हरि के एक महीने के रूप में राक्षसों को बंदी बना लिया
और देवताओं को अमृत पीने के लिए सक्षम किया। इन लीलाओं को सुनकर भगवान शिव जो एक बैल द्वारा उठाए गए थे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। अपनी पत्नी उमा के साथ और अपने साथियों भूतों से घिरे भगवान शिव एक महिला के रूप में भगवान के रूप को देखने के लिए वहां गए। तो ये भगवान वही लीला जो अभी हम लोग देखे कुछ देर पहले, सूरगना मतलब देवता, पायायत मतलब भगवान शिव जो कि एक बेल द्वारा उठाए गए थे उस स्थान पर गए जहां भगवान निवास करते हैं। किसके साथ? अपनी पत्नी उमा के साथ। और कौन कौन? भूत, प्रेत, पिशाच, मोहिनी शब्द पढ़ेंगे हमारे प्रभु जी, पीएम प्रभु जी। हरे कृष्णा। राम मोहन जल्दी कहाँ चले? विश्वास प्रभु पढ़िए, दोनों मित्र में से पढ़ने से चले। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध षष्ठ अध्याय 39 नंबर श्लोक। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यस्यं चात्मवत्मात्मा न वेद किमुतारतापरे। अनुवाद। भगवान के परम व्यक्तित्व को अद्भुत शक्ति बाजीगरों की भी चकित करती है। वह शक्ति आत्मनिर्भर भगवान के लिए भी अज्ञात है, इसलिए यह निश्चित रूप से दूसरों के लिए अज्ञात है। तो ये जो शब्द है मोहिनी मतलब भगवान के परम व्यक्तित्व की अद्भुत शक्ति, बाजीगर मतलब किसी भी व्यक्ति को चकरा सकते हैं मोहिनी रूप धारण करके। क्या क्या ये कोई कल्पना भी किए थे कि भगवान लड़की बनेंगे या पायल बजाएंगे? और क्या बोल रहे थे उस गाना में कि दुनिया को नचाने वाला खुद पायल पहनकर नाच रहे हैं, है ना, जो विष्णु पुराण सीरियल में हम लोग देखे। तो जत स्वयं चात्मा वर्तात्मा नवेदक की मुता पड़े, खुद को भी नहीं जानता को कितना बड़ा है, इस तरह के लीला करते हैं। तो साधारण लोगों के लिए क्या कहना। हाँ, पीएम सिंह प्रभु जी पढ़िए। मोहया हरे कृष्णा। स्कंध एक अध्याय 9 श्लोक 18। एस वै भगवान साक्षात दियो नारायण कुमान मोहे यन्य मायाया लोकं गुढ़स्त प्रति विष्णु विष्णु तु। अनुवाद। यह श्री कृष्ण भगवान के अकल्पनीय व्यक्तित्व के अलावा और कोई नहीं है। वे पहले नारायण हैं, परम भोक्ता, लेकिन वह हम की तरह ही राजा विष्णु के वंशजों के बीच घूम रहा है और वह अपनी स्वयं की बनाई ऊर्जा से हमें भ्रमित कर रहा है। तो ये कौन बोल रहा? भीष्म देव अब सरसज्जा में लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण की महिमा का उल्लेख कर रहे हैं पांडवों के पास। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ना, ये भगवान है, अकल्पनीय, हमारी कल्पना से परे है। मतलब मूल भगवान के अलावा कोई है ही नहीं है, साक्षात ये स्वयं भगवान है, नारायण है, परम भोक्ता है, लेकिन वो हमारे जैसे एक व्यक्ति विशेष की तरफ बने हुए है और विष्णु वंश में वो प्रकट हुए हैं और अपनी बनाई शक्ति से हम सबको भ्रमित कर रहे हैं। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति ना, हम सबको भुला रखे कि मतलब पता ही नहीं चल रहा कि ये कृष्ण जो है वो भगवान है। तो ये कौन बता रहे, अनुभव कौन बता रहे? भीष्मदेव मोहयन मीन्स भ्रमित,
भ्रमित कर रहा है, मोहन शब्द। स्त्रिया पढ़िए, हमारे विभा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, गीता माता जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के सातवां सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 53। अहो करुणो देवा श्रिया करुणाय विभु कृपणं मा मनुषोचन्त्या दीनाय किं करिष्यति। हरे कृष्णा हनुमान। काश भाग्य कितना निर्दयी होता, मेरी पत्नी जो किसी की मदद करने में असमर्थ है, इतनी अजीब स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। इस बेचारे पक्षी को ले जाने से विधाता को क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। हरे कृष्ण। ये कौन किसको उपदेश दे रहे पता है? हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को, हाँ, हिरण्यकश्यप को जब बरादेव ने मारा, उसकी पत्नी बच्चे सभी रो रहे थे, तब हिरण्यकश्यप उनको प्राचीन कहानी सुनाए कि एक पक्षी थे, हाँ, और उनकी एक पत्नी थी। तो एक शिकारी आए, उसके बाद उस पक्षी को मारे और ले जा रहे थे, तो बोले कि विधाता हाय रे, काश भाग्य इतना निर्दयी है, मेरी पत्नी जो किसी की मदद करने में असमर्थ है, इतनी अजीब स्थिति में और मेरे लिए विलाप कर रही है। इस बेचारे पक्षी को ले जाने से विधाता को क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। वो विधाता को कोस रहे हैं। तो ये हिरण्यकश्यप को पत्नी को बता रहे हैं कि हमारा जो स्थिति है उस पक्षी की तरह है। हमारे जीवन में कुछ घटना घटते हैं, हम लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ये तो हमारे कर्म का फल है। तो जब हिरण्यकश्यप जब उपदेश देते थे लोगों को, तो बहुत अच्छा। यही इसी संबंध में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रवचन करता है लेकिन अपने जीवन में खुद पालन नहीं करता। यहाँ पर हिरण्यकश्यप कितना सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं लेकिन अपने जीवन में कोई प्रैक्टिकल है नहीं। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमारे अपने कर्म का फल है, लेकिन फिर भी तो टक्कर लिया अंत में, अंत तक कि विष्णु तूने मेरे भाई को मारे, मैं तो तुम्हारा नाम दुनिया से मिटा दूंगा। प्रहलाद को कितना सताया या कुछ किया है ना, तो ये असुर का लक्षण है। तो स्त्री जलत यही पर खत्म हो रहा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्त विशेष का अभी 10 मिनट हमारे पास टाइम है, 5:30 तक चलेगा क्लास। तो किसी का कुछ अगर प्रश्न हो तो यू कैन आस्क, प्रश्न हो, फीडबैक हो, कमेंट हो, जिज्ञासा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नहीं है शायद किसी। हरे कृष्ण प्रभु। ये आगे का श्लोक दो दो करके एक एक दिन में करना है, ये छोटा छोटा श्लोक है। ये 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सभी अवतार का जो है दिया अभी। अभी वो 22, 23, 24 पर्यंत, उसका बाद फिर से वो बड़ा श्लोक है, मतलब प्रभुपद का तात्पर्य बड़ा आया। और ये थोड़ा हम लोगों को भी पता भी है ये अवतार के बारे में, तो इसलिए दो दो श्लोक एक एक दिन में करने से अच्छा होता है। ठीक है, देखेंगे जरूर। 22 नंबर श्लोक पर्यंत ऐसा कर सकते हो, उसके बाद फिर से वैसा आ गया तो तात्पर्य बहुत बड़ा है प्रभुपद का। ठीक है, हम देखेंगे, मैनेज करेंगे कौन सा क्या। ठीक है, नहीं वैसा देखना है, देखने के बाद हो सके तो करना है, ऐसा बात नहीं है। जिसमें श्लोक छोटा होने से भी उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा,
तो वैसा नहीं करना है। हाँ ठीक, वो मैं देखूंगा विचार करके, जब स्टडी करूंगा तब पता चलेगा। हाँ पता चलेगा तो ठीक है। फिर आपका भी क्लास है तो फिर साढ़े पांच बजे क्लास है तो अभी तो साढ़े पांच बजने वाला ही है। फिर साढ़े पांच नहीं, छह बजे क्लास है तो अभी मैं तैयार होऊंगा। अच्छा तो ठीक है। तो क्या बोलते हैं, 18 श्रीमद् भागवत श्लोक नंबर 130। ठीक है, देखेंगे प्रभु जी, वो विचार करेंगे, स्टडी करने के समय पता चलेगा कि 200 लोग एक साथ लिया जा सकता है। 19, 21, 20, 21, 22 फिर से अलग से। ठीक है, तो चलिए, किसी बात का तो कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग यही पर विराम करता था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम राम। जय गंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नेता गौर प्रमाणंदे जय।